फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप जियो, एयरटेल या वीआई कौन सा भी सिम यूज क्यों ना करते हो और अगर आपको बार बार स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिम यूजर्स के लिए बहुत ही बढ़िया सी एपीएन सेटिंग लेकर आए। आज की इस वीडियो में हम जियो, वीआई, एयरटेल इन थ्री सिम यूजर्स के लिए खास एपीएन सेटिंग लेकर आए, जिस एपीएन सेटिंग के जरिए वीआई, जियो, एयरटेल सिम यूजर अपने आप को आने वाली स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप भी आने वाली स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम से परेशान हैं और अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमेशा हमारे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप हमेशा आपको आने वाली ऐसी स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वह एपीएन सेटिंग अप्लाई करने के लिए आपको आपके मोबाइल फोन के सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल फोन के सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर क्लिक करना है। देन जिसके बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपकी जिस कौन से भी सिम पर स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, उस सिम पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सिम पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर नीचे मोबाइल नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट नेम्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अब आपके सामने एपीएन खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नीचे रीसेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस रीसेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपकी एपीएन रीसेट हो जाएगी, जिसके बाद आपको न्यू एपीएन सेटिंग क्रिएट करने के लिए नीचे रीसेट के पास ही न्यू एपीएन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। न्यू एपीएन के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने न्यू एक्सेस पॉइंट की सेटिंग खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर मैं जैसा बताने वाला हूँ वैसा सेम टू सेम अपने मोबाइल फोन पर टाइप करना है। तो आपको यहाँ पर नेम पर क्लिक करना है। नेम पर क्लिक कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर सुपर स्पीड, मैक्स, बोट यह इंटर कर देना है, जिसके बाद अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। नेम इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एपीएन पर क्लिक करना है। एपीएन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर सुपर डैश स्पीड डैश मैक्स डॉट बोट डॉट जेड थ्री यह इंटर करना है। यह इंटर कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ध्यान से सुने, आपको यहाँ पर एपीएन में सुपर डैश स्पीड डैश मैक्स डॉट बोट जेड थ्री इंटर करना है और ओके पर क्लिक करना है। एपीएन इंटर कर देने के बाद नीचे आपको सीधा सर्वर पर आ जाना है। सर्वर पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर www.google.com यह इंटर कर देना है। यह इंटर कर देने के बाद नीचे ओके पर क्लिक करना है। सर्वर इंटर कर देने के बाद नीचे आपको ऑथेंटिकेशन टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पीपी और सीएचपी को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको यहाँ पर एपीएन टाइप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट इंटर कर देना है। डिफॉल्ट इंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा देकर SUPL भी इंटर कर देना है और ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद आपको सीधा यहाँ पर बी अलर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अनस्पेसिफिक को सिलेक्ट किया हुआ देखने को मिल जाएगा, जिसे अनसिलेक्ट करके आपको LTE को सिलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको GPRS को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद हमारी न्यू एपीएन सेटिंग क्रिएट हो जाएगी, तो इस एपीएन सेटिंग को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है, जिसके बाद यह एपीएन सेटिंग आपके मोबाइल फ़ोन पर अप्लाई हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेने के बाद अब यह एपीएन सेटिंग आपके मोबाइल फ़ोन पर अप्लाई हो जाएगी, जिसके बाद अब यदि आप वीआई, जियो या एयरटेल कौन सा भी सिम यूज़ करते हो और आपको बार बार स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो वह स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आज के इस वीडियो में बताए इस खास एपीएन सेटिंग के जरिए अपने आप को आने वाली स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से यह ज़रूर पता चल गया होगा कि कैसे आप आपके मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, ताकि आप तक हमेशा हमारे ऐसे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमेशा आपके मोबाइल के ऐसे स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।